बांग्ला में इलिश बोलते हैं, और वैसे हम लोग हिंदी में हिलसा भी के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही कॉस्टली मछली रहता है ये। नमस्ते, सलाम एंड सत श्रीकाल। आज आपका ऋषि भाई आपको टेस्ट करवाएगा बंगाली ऑथेंटिक फूड। जी हाँ, फिश। बिना फिश का बंगाली खाना कहते ना कि पूरा नहीं होता है। हमारे बंगाल में एक दिन में एक टाइम तो मछली चाहिए चाहिए। बाकी मैं फिर से आ चुका हूँ, जी हाँ, माँ होटल। और भाई बाहर देख रहे हैं, बारिश देखिए कितना झमाझम हो रहा है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ बोर्ड, ये देख रहे हैं, ये माँ होटल। इधर है अपना एयर व्यू मोड, और मेरे ठीक इधर है पीछे, महानंदा रिवर। भाई इतने में मैं भींग गया। बाकी बता दूँ, इसके पहले एक वीडियो आपने देखा था, जी हाँ, मैंने यहाँ पे देसी चिकन ट्राई किया था। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिए। क्या जबरदस्त, हमारे जो निकुंदा है ना उधर खड़े हैं निकुंदा बनाए थे, क्या जबरदस्त टेस्ट था भाई, है ना, मज़ा आ गया। बाकी आज हम लोग टेस्ट करेंगे यहाँ पे फिश, और इनके पास फिश का भी बहुत सारा वेराइटी है। ये दादा ऑनर जो आपने पहले वाली वीडियो में देखा होगा, है ना। बाकी बाहर बारिश बहुत हो रही है, इसलिए आपको होटल कुछ खाली खाली दिख रहा है। चलिए चलते हैं इनके थोड़े किचन में, देखते हैं निकुंदा क्या क्या बना रहे हैं। और ये है सबसे कॉस्टली फिश, नहीं इलिश। देख कितना सारा वैरायटी है यहाँ पे इनका मछली का। ये देखो, ये है प्रॉन। फिश का बहुत सारा वैरायटी मिलेगा, पब्दा है, फिर ये अंकल निकाल रहे हैं बुआरी मछली है। बुआरी, मैंने सोचा था कि आपका फिश वाला आइटम है, किस तरह से फ्राई करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। तो फिलहाल अभी देख रहा हूँ, कुछ मछली फ्राई हो चुका है कुछ, और कुछ अभी बाकी है। कि इनका मटन देखिए भाई, मटन देखिए, कलर देखिए मटन का। बॉली मछली देखिए बन के तैयार है, पब्दा मछली है, ये पब्दा है, पब्दा है, बॉली है, और मछली है। मछली ग्रेवी कैसे बनाते हैं? मछली ग्रेवी काला जीरा देते हैं। अच्छा, काला जीरा, कच्चा मिर्चा बाटा पेस्ट। अच्छा, कच्चा मिर्चा का पेस्ट, लाल मिर्च। अच्छा, इसका मगज भाज, मगज भाज, मगज जो है। अच्छा, बादाम एक देते हैं किलो के लिए। अच्छा अच्छा, सरसों। हाँ, बिना सरसों का तो मछली का, बिना सरसों का तो भाई मछली बनी, मछली की ग्रेवी तैयार ही नहीं हो सकता। बाकी कलर देखो यार, मछली की ग्रेवी देखो, और बाकी आड़ मछली है ये, आड़ मछली। और ये देखो भाई, आड़ मछली भाई बड़ा रहता बहुत ही। और ये देखिए प्रॉन भाई साहब, यहाँ बोले ना, यहाँ पे ना इनके पास मछली का हर वेरायटी आपको यहाँ पे मिलेगा। हमें हिल्स भी बोलते हैं, और हम लोग हिलसा भी बोलते हैं। बाकी ये फ्राई नहीं होता, ये सीधा देखिए, ये देखो, ये है हिलसा मछली का ग्रेवी। इसमें क्या डाल के रखा था पहले से आपने? इसमें मैंने काला जीरा दिया, काला जीरा, काला जीरा, कच्चा मिर्ची। अच्छा, और पेस्ट रेड चिल्ली। अच्छा, पेस्ट किस चीज का, क्या चीज का पेस्ट? ये लाल मिर्ची। अच्छा, लाल मिर्ची का जो पाउडर का पेस्ट है, पेस्ट है वो दिया हुआ है इसमें। और क्या डाले हैं? और सरसों डाले, सरसों डाले। तो बस इस तरह का देखिए, येलो कलर का निकल के आया है, ये जा रहा है इसमें ग्रेवी में फिश। और सबसे खास बात जो मैंने बताया था ना इसके पहले वाली वीडियो में, कोयले के चूल्हे पे खाना बनता है यहाँ पे। इसको थोड़ा तेल लेंगे, अच्छा, फिर सरसों तेल उन्होंने डाला ऊपर से। एक किलो इलिश फिश है, और इस पर उन्होंने सरसों डाला है। बाकी मैं आपको इसके पहले थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो मैं इसका जो ग्रेवी किस तरह तैयार होता है वो भी दिखा देता आपको। लेकिन बाकी उन्होंने, दादा ने बताया दिया क्या क्या डालते हैं। और ये उन्होंने डाला है कच्चा मिर्चा। कौन सा आप हो गया? अच्छा, आप कौन सा डालेंगे? अभी थोड़ा सा तेल डालेंगे इसके। अच्छा अच्छा, और ये तैयार हो चुका है अपना इलिश फिश, और इसका ग्रेवी एकदम येलो कलर का रहता है। देख, ये देखा सामने, अच्छा कलर चेंज होगा जी। जो मछली जिस मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करते हैं वो तेल उन्होंने डाला अभी। देखिए सर, सर सर, मतलब कलर देखिए, कलर थोड़ा येलो से दूसरे कलर में आ गया है। तो ये तैयार हो चुका है अपना इलिश फिश। इलिश फिश कड़ी कैसे बनता है आपने देखा ही, उसको फ्राई नहीं किया जाता है, उसको कच्चा डाल दिया जाता है ग्रेवी में। निकुंदा को बोला है मैंने, निकुंदा आपके पास कौन कौन सा मछली का वेराइटी है वो ला के दिखाइए एक बार, कि आप लोग भी देख लें अगर माँ होटल में है तो क्या क्या मिलने वाला है आपके यहाँ पर खाने के लिए। इतने वेराइटी हैं फिश के जो आपको माँ होटल में खाने को मिलेगा, टेस्ट करने को मिलेगा। भाई देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 वैरायटी हैं। तो दादा ये पहले बताइए कौन सा है?
मछली, चिंगड़ी बंगाली में चिंगड़ी बोलते हैं, वैसे हम लोग झींगा झींगा बोलते हैं। झींगा मछली है, देखो भाई झींगा मछली है, बंगला में इंग्लिश बोलते हैं और वैसे हम लोग हिंदी में हिलसा भी के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही कॉस्टली मछली रहता है ये मछली, बोले ना 1500 रुपये किलो, कभी 2000 कभी 3000 रुपये किलो तक भी बिकता है। कतला मछली है, बोली है, बोली है, पबदा बाटा बाटा आर मछली, आर मछली भाई। आज देखो करेंगे इलिश, एक इलिश दे दीजिए है ना, और दूसरा क्या बोलते हैं, एक कटला दे दीजिए है ना। एक तो भाई साहब ये आ गया हमारा खाना, बाकी आप देख सकते हो यार, ये इलिश पीस और ये है कटला भाई। कलर देखो, कलर क्या बनाया हुआ है। आइए, मैंने थोड़ा सा ग्रेवी मंगा लिया चिकन का, बाकी निकुंदा बोले ये चटनी है इमली का, उसको टेस्ट कीजिए, बहुत टेस्टी रहता है। जैसा मैं निकुंदा बोले कि भाई हिलसा खाने के पहले कतला को ट्राई कीजिए, तो भाई साहब गर्मा गर्म चावल के साथ गर्मा गर्म कतला फिश कड़ी, पहले ग्रेवी देखते हैं यार ग्रेवी कैसा है। ये देखिए कतला मछली में क्या होता है ना कि कांटे कम होते हैं, अब मोटे मोटे होते हैं तो आपको खाने में दिक्कत नहीं होती है, तो कांटे आराम से निकाल सकते हैं मछली से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया पकाया गया है। कितना सॉफ्ट है, भाई साहब सही में मज़ा आ गया। अब समझ में आ रहा है माँ होटल क्यों फेमस है। सरसों का है ना तो फ्लेवर भी आ रहा है। इलिश मछली का आपने बनते हुए देखा था, इसका ग्रेवी कुछ अलग ही रहता है। ये देखो मतलब सरसों ज़्यादा यूज़ होता है ग्रेवी में, और हरा मिर्चा आपने डालते हुए देखा ही था। ताकि पहले ग्रेवी देखते हैं ग्रेवी कैसा। सरसों का फ्लेवर पूरा आएगा, सरसों का जो झांस लगता है ना वैसा आपको झांस आएगा। ये है मछली भाई साहब, 2000 रुपये किलो मछली है, क्या बात है भाई। ज़रा देखें क्या खासियत है इस मछली में, भाई सही में कांटे बहुत हैं, तो खाते समय ध्यान दीजिएगा। इतना सॉफ्ट है ना, इतना सॉफ्ट है कि मुंह में जाती ना दो बाइट में घुल गया। बाकी मछलियों से एकदम अलग है, देखना ये देखिए, ये देखिए अगर आपने इलिश या हिलसा फिश कभी अभी तक ट्राई नहीं किया एक बार ट्राई जरूर करो, बहुत बढ़िया होता है। बाकी अब जानते हैं इनसे रेट क्या है। जो मैंने इलिश लिया है, इलिश हिलसा का कैसे पीस है, वो पड़ गया 350 रुपये पीस, 350 का एक पीस है ना उसका। और एक कतला का 60 रुपये पीस, कतला मछली पड़ेगा आपको 60 रुपये पीस, और भात का पड़ेगा 60 रुपये, और भात का 60 120 रुपये, तो मतलब 60 रुपये चावल के लेके चलिए और बाकी 60 रुपये है कतला मछली का। बाकी और मछली का बताइए, बॉली का 150, अगर बॉली मछली लेते हैं एक पीस का 150, एक पीस का 150 रुपया, और चिंगड़ी मछली है झींगा का, और जो झींगा आपने देखा झींगा तीन पीस का 150 रुपया, और वो जो आर मछली है 150, एक आर मछली आपने देखा था बड़ा सा इसका पोच था, इसका टेल था पूछ, वो आपको आर मछली वो आपको पड़ेगा 150 का। और पबदा मछली है, और जो पबदा देखा था वो पड़ेगा आपको 120 रुपये का। बाकी जो पिछले वीडियो में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भैया आपने चिकन का जो देसी चिकन का उसका रेट नहीं बताया, तो भाई मैंने रेट बताया था, आवाज़ पर धीरे गई थी इसलिए आप लोगों को सुनाई नहीं दिया होगा। 200 रुपये पड़ेगा आपको एक पीस देसी चिकन, चाहे आप लेग ले या चेस्ट चावल के साथ 200 रुपये। वैसे अगर सिंगल पीस और अगर खाली आप चिकन लेते हैं देसी चिकन, एक पीस का पड़ेगा 150 रुपये। क्या टेस्ट है, कतला भी है ना बहुत लाजवाब बना। आपने देखा ही कोयले के चूल्हे पे बनता है खाना पूरा, इसलिए और भी टेस्ट ना
जो स्वाद में ना स्वाद में और इजाफा हो जाता है। इसको टेस्ट करिए, लीवर फ्राई, क्लासिकल लीवर फ्राई है। अभी निकुंदा लीवर फैला के दे रहे थे, मैंने कहा निकुंदा अभी खाने का दम पूरा पैक हो चुका है। कभी भी आएंगे ना, खासकर लंच के समय आपको ऐसा भीड़ मिलेगा भाई साहब, कभी कभी तो वेट करना पड़ता है। मैंने कल देखा कुछ लोग वेट कर रहे थे टेबल खाली होने का, बाकी देख रहे हैं बारिश, अभी भी बारिश हो रही है। खूब अपने यहाँ का इलिश फिश और कतला एंजॉय किया होगा, है ना, टेस्ट अच्छा लगा होगा। बाकी हमारे दादा को थैंक यू बोल देते हैं इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। जल्दी मिलेंगे इसी तरह के प्यारे प्यारे फूड ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते।